गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी स्वस्थ हैं घर पे। आज गणित विषय का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इकाई धाई की समझ को पढ़ेंगे हम। आप ध्यान से इस वीडियो को देखें और जिस तरीके से मैं पढ़ाऊं आप भी इसको उसी तरीके से करके देखें घर पे। तो जब हम इकाई दहाई की बात करते हैं तो हमारे लिए पहले हम कुछ एक्टिविटी करके इसको समझने की कोशिश करेंगे और आपकी समझ में आएगा भी। तो हम एक चीज हम इस तरीके से समझेंगे इसको कि हमारे पास कुछ पेन है, ये पेन रखे आपके सामने, देखिए बहुत से पेन रखे हैं आपके सामने, ये भी पेन है आपके सामने, पेन रखे हैं बहुत ज्यादा और मैंने बोर्ड पे लिख रखा है कि बंडल और पेन, कि बंडल का मतलब आप समझ लीजिए, एक जो बंडल का मतलब है वो है 10 पेन या कोई भी 10 वस्तु। यहां पेन है तो हम पेन ले रहे हैं, आप और भी कुछ ले सकते हैं, फूल ले सकते हैं, आप पत्ते ले सकते हैं पेड़ के। तो हम एक बार शुरू करेंगे, एक दिखाएं, एक दो दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस, दस वस्तु हो गई हमारे पास, दस पेन हो गए और फिर इनको एक बंडल के अंदर बांध देंगे। बंडल, बंडल मतलब जो इन दस का एक बन गया। देखो अब तक थे पेन दस, पेन अब भी दस ही हैं, लेकिन जब बंडल की बात आती है, बंडल की, तो बंडल एक है, एक बंडल है हमारे पास, एक बंडल हुआ, एक बंडल हुआ। इसके बाद आप देखिए ये मैंने रख दिया यहां पे, अब और तो पेन बचे उनको गिनेंगे, एक दो तीन चार पांच, और ये मेरा मार्कर है, इसको नहीं गिनेंगे अभी हम, पांच और बचते हैं। क्या इससे एक बंडल बन सकता है बच्चों? पांच पेन से, पिछला जो बंडल बना था वो बना था दस पेन से, बंडल दस से ही बनेगा, क्या पांच से बन सकता है? नहीं बन सकता ना, नहीं बन सकता पांच से बंडल, इनको अलग रख देंगे। अब आप यहां आइए, आप देखिए अभी हमने गिने हैं, हमारे पास बंडल, बंडल कितना था? एक ही तो बंडल था ना, तो बंडल के नीचे आप लिख दीजिए एक, एक बंडल लिख दिया क्योंकि एक बंडल है। अब हमारे पास जो पेन बाकी बचे थे बंडल के अलावा, एक दो तीन चार और पांच, पांच पेन बचे हमारे पास, तो पेन कितने बचे? पांच। अब एक बंडल में आपको पता है एक बंडल में दस पेन होते हैं, दस, एक बंडल में कितने पेन होते हैं? दस। तो एक बंडल में कितने पेन? दस, और पांच पेन और बचे हुए हैं जमा पांच, दस और पांच को जोड़ेंगे तो कितने आएंगे? दस और पांच को जोड़ेंगे तो पंद्रह आएंगे। हमारे पास पेन कितने थे? पंद्रह, क्यों? दस तो बंडल के अंदर है, दस ग्यारह है, बारह है, तेरह है, चौदह है, पंद्रह है, और तो नहीं है ना, और तो नहीं है पेन यहाँ पे, नहीं है, पंद्रह पेन थे हमारे पास, ये रहे, जिसमें बंडल एक बनता है, पेन पांच बचते हैं। और देखिए इसके आगे हमारे पास पेन और आ गए, अब हमारे पास पेन और आ चुके हैं। अब आप इनको गिनेंगे, एक बंडल तो हमारा रखा हुआ है दस का, ये रख दिया, एक
दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस, दस पेन हो गए, दस दस पेनों में एक बंडल बनता है। फिर से इसको आप बांध दीजिए, दस पेन इसमें दस उसमें थे, एक बंडल ये रहा, एक बंडल ये रहा, दो बंडल हो गए हमारे पास। हमारे पास कितने बंडल हो गए? दो बंडल। अब आप देखिए हमारे पास दो बंडल हो चुके हैं पेन के, दस दस पेन का एक बंडल होता है। अब और देखिए पेन कितने बचे हैं, एक और दो, और ये मेरा मार्कर, दो पेन और बच गए हमारे पास बस। तो अब आप देखिए कि यहां पे बंडल पहले एक था, अब हमारे पास कितने बंडल हो गए? दो। तो इसके नीचे दो लिख दीजिए आप, क्योंकि बंडल दो है। पेन कितने बचे हैं? पेन भी तो हमारे पास दो ही बचे थे, एक और दो, दो ही पेन बचे हैं, यहां पे भी दो लिख दीजिए। अब आप यहां पे फिर ध्यान दीजिए, जब एक बंडल में दस पेन थे, दो बंडल में कितने पेन होंगे? दस तो एक में हो गए, और दूसरे में भी दस, दस और दस बीस, बीस बंडल हो, सॉरी बीस पेन हो गए ना दो बंडल के अंदर, और दो पेन बचे हुए, उनका बंडल बन नहीं सकता दो पेन का, तो जमा में दो पेन, क्योंकि ये भी पेन है ये भी पेन है, बीस और दो जोड़ेंगे तो बाईस, बाईस ही पेन थे हमारे पास, बाईस ही पेन थे हमारे पास। इसके बाद और देखिए, और पेन आ गए हमारे पास। अब इनको जोड़िए आप, इनको गिनिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, दस पेन का एक बंडल और बन गया। इसको आप फिर एक बंडल बना दीजिए और इसको भी यहाँ पे रख दीजिए आप, तीन बंडल बन गए, जो पेन और देख कितने, एक दो तीन चार और पाँच, और तो नहीं है, और नहीं है ना अलग से पेन, इसके अलावा बंडल के अलावा, यहाँ दिखाइए आप, इसके अलावा और तो पेन नहीं है, पांच बंडल बचे, पांच पेन बचे तीन बंडल बनने के बाद। तो अब हमारे पास अब की बार बंडल कितने बन गए, तीन, और पेन कितने बचे, पांच। यहाँ पे भी वही चीज देखिए आप, फिर से तीन बंडल में कितने पेन, तीस, और पांच पेन और बचे हुए, जोड़ लीजिए कितना होगा, पैंतीस। हमारे पास पैंतीस ही पेन थे, हमारे पास पेन पैंतीस ही थे। लेकिन अब आप यहां समझने की कोशिश कीजिए कि जो आज का हमारा टॉपिक था इकाई और दहाई की समझ, ये तुम आप कहोगे सर ये बात तो आई नहीं कहीं पे भी, अब आएगी ये बात और आपकी समझ में आएगी कि जहां पे पेन है, जहां पे पेन लिखा हुआ है वो इकाई का अंक होता है, और जहां पे बंडल होता है, जो बंडल होता है वो पे वो हमेशा दहाई का अंक होता है, वो हमेशा इकाई का और वो दहाई का। ऐसे ही जैसे ये आई हमारे पास संख्या क्या आई थी 15, ये इकाई का अंक और ये दहाई का अंक। ऐसे ही 22, 22 जो पेन है वो इकाई का अंक, इकाई, और जो बंडल है वो दहाई का अंक, इकाई दहाई। ऐसे इसमें आप अपने आप करेंगे, और इसी तरीके के एग्जांपल लेके आप घर पे करेंगे, बड़ा आसान तरीका है ये समझने का इकाई और दहाई की अंक की समझ। कल हम इससे आगे चलेंगे कि हम संख्या कैसे बना सकते हैं अंकों को बदल के, इकाई अंक दहाई पे आ जाए, दहाई अंक इकाई पे चले आ जाए। आज के लिए इतना ही है कि इकाई और दहाई की समझ आप अच्छे से कीजिए। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके, पेड़ के पत्ते ले सकते हैं, फूल ले सकते हैं, पेंसिल ले सकते हैं, और कुछ घर पे सामान छोटा मोटा वो ले सकते हैं, आप चम्मच ले सकते हैं घर पे, तो इसको ध्यान से देखिए इस वीडियो को, और इकाई दहाई के टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, इससे आसान नहीं है। कल इससे आगे चलेंगे हम। धन्यवाद।